नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सरगरा जाति के इतिहास के बारे में। ये सरगरा जाति बहुतायत में राजस्थान में पाई जाती है और मेरे राजस्थान के बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स आए थे कि कृपया सरगरा जाति के इतिहास के बारे में थोड़ी चर्चा और करें। तो आज इस वीडियो में हम सरगरा जाति के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आज की स्थिति में जो वर्तमान स्थिति है उसमें सरगरा जाति की स्थिति को कितना दयनीय बनाया गया और किस प्रकार उनके बारे में उल्टा सीधा लिख करके एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ाया भी जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। तो दोस्तों, ये सरगरा जाति के इतिहास के बारे में चर्चा करें तो आप देवी भागवत महापुराण में राजा सगर के बारे में आप जानने को आपको मिलेगा, जो मैंने पहले वीडियो में बताया है। आज उस बारे में हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे, हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर सरगदा या फिर सरगरा जाति का इतिहास छिन्न भिन्न कैसे हुआ। तो दोस्तों, एक बहुत ही साधारण सा नियम है इस भारत के धर्म को समझने के लिए, हमको उस नियम को समझना पड़ेगा। दोस्तों, जितना प्राचीन ऋषि का फॉलोअर रहा है वो आगे इस युग में आकर वो उतनी ही छोटी जाति का हो गया। जैसे कि जिस अगर हम सिंधु घाटी या किसी और सभ्यता की बात करें तो जो लोग वहाँ पे पाए जाते थे उनको आज निम्न वर्ग में रखा जा रहा है, जो उनके मूल निवासी रहे होंगे। ये आप इस कॉन्सेप्ट को आर्यन और मूल निवासी से कंपेयर मत करिएगा, लेकिन ये हमारी विडंबना है कि जितने पुराने, जैसे राजा सगर एक बहुत पुराने प्राचीन राजा हैं, अब उनके वंशज को आज नीची जाति में बताया जा रहा है। उसका कारण भी बहुत स्पष्ट है, आपको समझना चाहिए कि जिस प्रकार धर्मों के उत्थान के समय जैसे नए नए धर्म आए, पहले सनातन धर्म था, उसके बाद आपको यूनान में कुछ अलग धर्म हो गया, इब्राहिम हो गए, फिर कुछ इस्लामीकरण हो गया, कुछ बौद्ध हो गए, कुछ जैन हो गए, कुछ सिख हो गए, दुनिया में बहुत सारे जन्म ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। लेकिन अब देखिए, आप जब आप इस्लाम की बात करेंगे तो वो ईसाई धर्म को अपने से छोटा बताएगा, जब आप सनातन की बात करेंगे तो फिर वो सनातन में ये अवगुण नहीं था, लेकिन क्योंकि बीच में मध्ययुगीन इतिहास में जब इस्लाम आया तो उसने छोटा बड़ा करने की बात शुरू कर दी। सबसे पहले ये बात इस्लामिक स्टेट्स ने स्टार्ट किया है, तो क्या हुआ कि भारत में भी उसका असर होने लगा। तो जो प्राचीन, अब जैसे ईसाई धर्म प्राचीन था तो इस्लाम के धर्म गुरुओं के हिसाब से उनका धर्म एडवांस है, नया है और ज़्यादा विस्तृत है, तो वो उनसे बेहतर धर्म है। ये भावना का ही डेवलपमेंट इस्लामिक डेवलपमेंट के साथ साथ बढ़ता चला गया है। तो क्या हुआ, भारत में भी यही सब लागू होने लगा, जो पुराने ऋषियों के वंशज थे उनको नीति का और जो नए नए खोज हो क्या है वो सब उच्च वर्ग में जाते चलते चले गए। तो इस प्रकार जब आदि शंकराचार्य ने भारत के सनातनियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया तो उस वक्त जो आर्य शंकराचार्य के साथ थे वो लोग उच्च और कुलीन वर्गीय अपने आप को बताने लगे और जिन्होंने उनका साथ दिया वो ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे डिवीजन में वो बढ़ते चले गए। तो दोस्तों, ये गलतियां उस समय पे समकालीन गलतियां नहीं थी, उस समय की डिमांड पर शंकराचार्य ने सनातनियों को एक किया था, लेकिन वहीं से ये परंपरा शुरू हो गई कि छोटी जात बड़ी जात ऊंची जात नीची जात। और फिर क्या हुआ कि इसी लहरों में हमारे सरगरा जाति के वंशज भी बह गए और क्योंकि राजा सगर बहुत ही प्राचीन ऋषि हैं, इनका बहुत ही गौरवान्वित इतिहास है, देवी भागवत महापुराण एक ऐसा लेख है जो इनकी गौरव की गाथा का बयान कर रहा है। तो सरगरा जात के भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार एनसीईआरटी में वहां पर लिखा गया है कि ये मदिरा इत्यादि का सप्लाई पुराने राजाओं को करते थे, ये उनका इतिहास नहीं रहा है, उसमें कुंठित होने की जरूरत नहीं है। आप समझिए कि राजा सगर एक प्राचीन इतिहास है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं और ऐसे ही उलूल जुलूल चीज़ें लिखकर आपको बताई जा रही है। तो अगर आप सभी अपने बारे में समझना चाहते हैं, जो मित्र मेरे सरगरा जाति या सरगदा जाति के यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो देवी भागवत महापुराण का अध्ययन अवश्य करें, वहाँ से उनका इतिहास उनको खूब मिलेगा। तो आगे भी इस चैनल पर हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। इस चैनल पर मेंबरशिप का भी काम स्टार्ट हो गया है, ज्वाइन बटन आप सबको दिख रही होगी, तो आप सभी इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं जिससे आप अपनी बात को या अपने डिजायर्ड वीडियो को हमें आप जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके होंगे, आप हमें अपना डिटेल भेज सकते हैं और हम उस पर आपके वीडियोज बनाते रहेंगे। और दोस्तों, एक अच्छी गुड न्यूज़ आप लोगों को मैं बताने जा रहा था, हमारी टीम ने अभी ब्लॉगिंग का काम स्टार्ट किया है जिसपे हेल्थ सेक्टर और समाज की सारी बुराइयों पर भी लेख प्रकाशित होते रहते हैं। आप सभी लिंक जो आपको दिख रहा है www.agniveshvaidiksanskar.in पर जाकर उस लिंक को क्लिक करके ब्लॉग में जा सकते हैं और वहां से आप सभी ढेरों जानकारियां हर जाति के विषय में जानकारियां वहां पे मिलेगी, शरीर से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आप सबको मिलेंगी, कुछ जड़ी बूटियों की परचेजिंग आप कर सकते हैं, वहां से मेंबरशिप ले सकते हैं। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने वहां पे स्टार्ट किया है, इसी सूचना के लिए हमने आज आपको इस वीडियो में सरगरा जाति के साथ साथ ये सूचना भी देने के लिए ये वीडियो बनाया था। तो हो सकता है इस बीच मेरा वीडियो नहीं आया हो, मैं उसी सब में बिजी था, तो सभी मित्रों से क्षमा चाहूंगा यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो। बाकी आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, वेबसाइट्स पर जाते रहें और देखते रहें, आपके अपडेट्स वहां पर आपको मिलते रहेंगे। इसी कुछ चर्चा के साथ आज मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आज आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।